तो पबजी यार में क्या हाल चाल। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजन 11 के न्यू लीक्स एंड अपडेट के बारे में। तो भाई सब हमारा सीजन 10 तो बिल्कुल ही टट्टी रहा, लेकिन सीजन 11 कत्ते जहर होने वाला है। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने है ना सीजन 11 के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो बना दी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को वॉच नहीं किया है ना, तो मैंने आपको सारी की सारी वीडियो आई बटन में प्रोवाइड कर दी है, जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन उससे पहले ना आप इस वीडियो को फुली वॉच करके जाना, क्योंकि भाई आज का ये वीडियो है ना वो कत्ते जहरीला एंड कत्ते कमाल का वीडियो होने वाला है। तो भाई आप इस वीडियो को फुली वॉच करना, एंड अगर आपको ये जरा सा भी वीडियो पसंद आता है ना तो यार आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले ना आपको हमारी PUBG मोबाइल के सीजन 11 के अंदर एक न्यू वेपन मिलने वाला है, जिसका नाम होने वाला है M203। अब गाइस जो गन होने वाली है ना वो शायद आपको हमारे पेलोड मोड के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई इस गन के साथ है ना आपको एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलने वाला है, एंड उसके साथ है ना इसी गन के साथ आपको है ना एक असॉल्ट राइफल भी मिलने वाली है, मतलब ये कॉम्बो गन होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको है ना असॉल्ट राइफल एंड ग्रेनेड लॉन्चर यूज करके दिखाई दिया है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये गन किस तरह की होने वाली है। तो शायद आपको है ना ये गन हमारे सीजन 11 के अंदर देखने को मिल सकती है, एंड यहाँ पे आप इस गेम में देख सकते हो कि भाई ये किस तरह की गन होने वाली है। तो जिन लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेले होगे ना उन सभी को पता होगा कि भाई ये गन किस तरह की होती है। तो यार मुझे उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना तो यहां पे अपने इस गेम प्ले को देख के समझ ही लिया होगा। तो आपको ये गन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। सो गाइस उसके बाद है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर आपको एक न्यू हेलमेट की स्किन मिलने वाली है, जो कि ये वाली होने वाली है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि भाई ये जोकर वाली हेलमेट स्किन आने वाली है, जो कि कत्ते कमाल की होने वाली है। तो ये हेलमेट स्किन है ना मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी, एंड उससे भी कमाल की लगी मुझे ये वाली हेलमेट स्किन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि भाई इस हेलमेट की स्किन के ऊपर है ना पूरा बगीचा बना हुआ है फूलों का, एंड देख सकते हो कि भाई कितनी ज्यादा कमाल की हेलमेट स्किन है। तो ये मुझे ओपी लगी है। अब उसके अलावा है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर एक न्यू जोकर वाला बैकपैक की स्किन भी मिलने वाली है, जो कि ये वाली होने वाली है। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही बकवास लगी है, एंड भाई कुछ भी मुझे पसंद नहीं आई है। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अब गाइस उसके बाद है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर ये 3 नए आउटफिट्स मिलने वाले हैं, जिनमें से ना मुझे सेकंड वाला पसंद आया है, बाकी तो मुझे बेकार आउटफिट्स लगे हैं एंड मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए हैं। आपको इतने में से कौन सा आउटफिट पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अब गाइस उसके बाद है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर ये 2 न्यू आउटफिट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो कि जोकर वाले होने वाले हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो सेकंड वाला आउटफिट है ना वो कत्ते ही कमाल का है, एंड जो हमारा फर्स्ट वाला आउटफिट है ना वो तो टट्टी आउटफिट है, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है। अब उसके बाद गए थे ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर एक न्यू यूनिक आउटफिट मिलने वाला है, जो कि ये वाला होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इस आउटफिट के साथ है ना आपको एक न्यू एक्सक्लूसिव ट्रेल भी मिलने वाली है, जो कि आज तक कभी भी किसी भी आउटफिट के साथ नहीं आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह प्रकार का आउटफिट आने वाला है, एंड भाई सीजन 11 के साथ आपको ये आउटफिट देखने को मिल सकता है। अब गाइस उसके बाद है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर एक न्यू इमोट भी मिलने वाला है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस आप इस इमोट को फुली देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब आपने ये इमोट को देखा होगा तो भाई इमोट बहुत ही कमाल का है, एंड ये जो इमोट है ना वो इस वाले आउटफिट के साथ आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे जोकर लिखा हुआ है, एंड ये आउटफिट पूरा का पूरा जोकर टाइप का आउटफिट है, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो ये भी आपको हमारे सीजन 11 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस उसके बाद आपको एक न्यू कार 98 की स्किन मिलने वाली है, मतलब रानी की स्किन मिलने वाली है, जो कि ये वाली होने वाली है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि जोकर लिखा हुआ है, एंड भाई ये कुछ इस प्रकार की होने वाली है, तो कत्ते कमाल की ये स्किन है। अब उसके बाद आपको एक न्यू डबल बैरल की भी स्किन मिलने वाली है, जो कि भाई मुझे तो कुछ खास नहीं लगी है, एंड बिल्कुल ये टट्टी लगी है, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है। लेकिन आपको ये स्किन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अब उसके अलावा आपको एक न्यू ऑक की भी स्किन मिलने वाली है, क्योंकि भाई ऑक की स्किन कुछ इतनी ज्यादा आती नहीं है हमारी पबजी मोबाइल के अंदर, तो भाई आने वाली है, तो ये मुझे बात बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो यार आपको ये ऑक की स्किन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अब उसके बाद गाइस ना आपको हमारी पबजी मोबाइल के अंदर एक न्यू है ना यूजी की स्किन मिलने वाली है, जो कि ये वाली होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यूजी की स्किन है ना अभी हमारे सीजन 10 के बाद है ना बहुत सारी हमारी पबजी मोबाइल के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। अब गाइस उसके बाद है ना आपको हमारे सीजन 11 के अंदर ये जोकर वाला न्यू आउटफिट भी मिल सकता है, जो कि भाई हमारे चैनल से रिलेटेड ही लग रहा है, क्योंकि भाई हमारे चैनल का भी नाम जोकर गेमिंग है। तो इस प्रकार का आपको एक न्यू आउटफिट मिलने वाला है, सॉरी आपको एक न्यू पैराशूट की स्किन मिलने वाली है। अब गाइस उसके बाद है ना आपको हमारी पबजी मोबाइल के अंदर एक न्यू शील्ड मिलने वाली है, जो कि कैप्टन अमेरिका वाली होने वाली है। मतलब गाइस ये तो है ना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन है ना पबजी वालों ने एक ट्रेलर में कंफर्म कर दिया था कि ये जो शील्ड है ना वो आपको हमारी पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब ये शील्ड का यूज क्या है वो तो आप सभी को पता होगा ना कि आप अपने कवर के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप इसका गेम प्ले भी देख सकते हो। तो गाइस इस प्रकार की आपको एक न्यू शील्ड मिलने वाली है, एंड भाई जैसे ही आ जाए ना कत्ते कैप्टन अमेरिका बन जाना एंड यूज करना आप इस शील्ड को, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल की है।
अब गाइस अगर आप ट्रेलर को देखना चाहते हो ना इस शील्ड वाले ट्रेलर को, तो प्लेयर अनोन बैटल ग्राउंड के चैनल पे ऑफिशियली इस ट्रेलर को इन्होंने रिलीज कर दिया था, तो आप जाके देख सकते हो। अब गाइस उसके बाद है नाकुमारे सीजन 11 के अंदर एक न्यू टीडीए मोड देखने को मिलने वाला है जिसका नाम होने वाला है अल्फा। अब गाइस अभी तक तो है ना हमारे बीटा वर्जन के अंदर ये पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी आया ना वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार का मैप होने वाला है। तो भाई ये जो मैप होने वाला है ना टीडीए मोड का, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है एंड भाई बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। अब इस टीडीए मोड के मैप के साथ है ना आपको एक न्यू फीचर भी मिलने वाला है जिसका नाम होने वाला है लोड आउट सिस्टम। अब गाइस अगर मैं इस सिस्टम को आपको समझाने बैठूंगा ना तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड आपको ये वीडियो बोरिंग लगेगी, तो ये मैं हम किसी और वीडियो के साथ बात करेंगे। लेकिन भाई आज ना आप इस टीडीए मोड के मैप को देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का ये होने वाला है। तो भाई ये मैप है ना वो मुझे कब तक कमाल का लगा है एंड बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा है, तो आपको ये मैप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना एंड जब ये फुल्ली आ जाएगा ना तभी मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी लीक्स दिखाए ना वो सारे के सारे कन्फर्म लीक्स नहीं है, क्योंकि भाई इन लीक्स को है ना मैंने हमारे पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन के अंदर से यानी कि गेम फोर पेस के अंदर से एंड हमारे ग्लोबल वर्जन के बीटा वर्जन के अंदर से निकाला है। तो भाई मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि ये सारे लीक्स आपको हमारी पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो भाई वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।